आगरा में दो फल विक्रेता राधेलाल और श्यामलाल आते हैं। वो दोनों आगरा गांव के बाजार में जाते हैं और वहां पर जाकर फलों का भाव पता करते हैं। आम कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो है भाई साहब। और पपीता कैसे दिए? पपीता 50 रुपए किलो है भाई साहब। क्या आपके पास अंगूर है? अंगूर नहीं है, वो तो आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। हमने भी पूरा बाजार ढूंढा पर हमें अंगूर कहीं नहीं मिला। वैसे अब तो अंगूर का सीजन भी शुरू हो गया है। आपको आगरा गांव में सभी फल मिलेंगे पर अंगूर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों है? अंगूर कोई महंगा फल तो है नहीं? आगरा गांव में कोई अंगूर बेचता ही नहीं है और ना ही कोई खरीदता है। राधेलाल श्यामलाल की तरफ देखता है और उसे वहां से चलने के लिए कहता है। राधेलाल और श्यामलाल दोनों कुछ दूर जाते हैं। देखो भाई, यही अच्छा मौका है। इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं बेचता है। अगर हम लोग अंगूर बेचेंगे तो हमारा अच्छा मुनाफा होगा। सही कहा भाई तुमने, बाकी सभी फल तो हर दुकान में मिल रहे हैं। एक अंगूर ही ऐसा फल है जो ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। अगर हम अंगूर की खेती करेंगे तो हम कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो शुभ काम में देरी कैसी, चलो शुरू करते हैं। राधेलाल और श्यामलाल इस गांव के जमींदार के पास जाते हैं। देखिए जमींदार साहब, हम फल विक्रेता हैं और अभी अभी आपके गांव में आए हैं। हमें एक बगीचे की जरूरत है। वो सब तो ठीक है, पर आप उस बगीचे में कौन सा फल उगाएंगे ये तो बताइए। वो सब तो हम आपको नहीं बता सकते। बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसा फल जो यहाँ के बाजारों में मिल ही नहीं रहा है, हम उस फल को उगाएंगे और उसे बेचेंगे। मगर उसका कुछ नाम तो होगा, बिना नाम जाने मैं आपको बगीचा कैसे दे सकता हूँ? फल का नाम जानने से बगीचा देने का क्या मतलब है? आप बस हमें एक किराए पर बगीचा दे दीजिए। पर अगर वो तुम्हारा फल बिका नहीं और तुमने मुझे हर महीने बगीचे का किराया नहीं दिया तो? आप उसकी चिंता मत कीजिए, अगर फल नहीं भी बिकेगा तो भी हम अपनी जेब से आपको बगीचे का किराया दे देंगे। जैसी आप लोगों की इच्छा, आइए मैं आपको बगीचा दिखाता हूँ। जमींदार राधेलाल और श्यामलाल को एक बगीचा दिखाता है। दोनों को वो बगीचा पसंद आता है और उस बगीचे में खुदाई करना शुरू करते हैं। श्यामलाल नर्सरी से अंगूर की बहुत सारी बीज लेकर आता है और दोनों भाई मिलकर पूरे बगीचे में अंगूर की बीज लगा देते हैं। लो भाई, पौधे लगाने का काम तो खत्म हो गया, अब इन्हें खाद और पानी देना होगा, तभी जाकर जल्दी से फल खाने को मिलेगा। देखते ही देखते अंगूर की लतें बड़ी होने लगती हैं और उन पर बहुत सारे अंगूर लग जाते हैं। ये देखकर राधेलाल और श्यामलाल बहुत खुश हो जाते हैं। देखो भाई, हमारी मेहनत रंग लाई है। हाँ हाँ, अब हम जल्दी ही इन अंगूरों को बाजार में बेचेंगे और बाजार में अंगूर की एक बड़ी दुकान खोलेंगे। राधेलाल और श्यामलाल बगीचे से घर की तरफ जाते हैं, तभी उन्हें रास्ते में जमींदार दिखाई देता है। बताइए जमींदार साहब, क्या बात है? और क्या बात होगी, 6 महीने हो गए और तुम लोगों ने मुझे बगीचे का 1 महीने का किराया भी नहीं दिया। मुझे मेरे बगीचे का किराया चाहिए। अरे जमींदार साहब, आप परेशान मत होइए, आपका बगीचा हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमने जो फल उगाए थे वो अच्छी मात्रा में हुए हैं और अब हम जल्दी उन्हें बेचकर आपके 6 महीने का किराया एक साथ दे देंगे। बस 1 महीना और इंतजार कीजिए, आपको आपका किराया मिल जाएगा। ठीक है, मैं 1 महीना और इंतजार कर लेता हूँ, पर इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, 1 महीने बाद हम लोग खुद ही पैसा लेकर आपके पास आ जाएंगे। इतना कहकर राधेलाल और श्यामलाल वहाँ से चले जाते हैं। राधेलाल और श्यामलाल अपने बगीचे में जाकर अपनी उगाई हुई अंगूरों को तोड़ने लगते हैं। राधेलाल और श्यामलाल दोनों अंगूर तोड़कर बाजार में जाते हैं और वहाँ पर बाकी फल विक्रेताओं के बीच में अंगूर का ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं। ले लो, ताजे ताजे अंगूर ले लो। भाई साहब, अंगूर कैसे दिए? 100 रुपए किलो। 1 किलो दे दीजिए। ग्राहक अंगूर लेकर अपने घर चली जाती है। राधेलाल और श्यामलाल दूसरे ग्राहकों को अंगूर बेच रहे थे कि तभी वहाँ पर पहली वाली ग्राहक चिल्लाती हुई आ गई। अरे रे, ये
मुझे जो अंगूर बेचे हैं वो अंगूर कम, लोहे की जंजीरें ज्यादा लग रही है। ग्राहक की ये बात सुनकर राधेलाल और श्यामलाल दोनों चौंक जाते हैं। लोहे के अंगूर, तुम पागल तो नहीं हो गए? यकीन नहीं आता तो खुद ही खा के देख लो ना। राधेलाल अंगूर खाने के लिए मुंह में डालता है। जैसे ही वो अंगूर अपने दांत से काटने लगता है तो उसके दांतों में दर्द होने लगता है। आह, भाई ये तो सच में लोहे का अंगूर है। राधेलाल के मुंह से ये बात सुनकर सभी ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या करोगे? देखते हैं क्या होता है आगे। राधेलाल और श्यामलाल दोनों अंगूर का ठेला पकड़कर घर के लिए जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में जमींदार मिलता है। अच्छा तो यहाँ हो तुम दोनों। एक महीने का वक्त मांगा था तुमने और दो महीने हो गए हैं। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। देखिए जमींदार साहब, हमारा एक भी फल नहीं बिका, हम आपको पैसे कहाँ से देंगे? मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। कहीं से भी दो, तुम्ही ने कहा था ना कि अगर कुछ नहीं होगा तो हम अपनी जेब से पैसे देंगे। हाँ कहा तो था, पर हमारे सारे पैसे फलों को उगाने में खत्म हो चुके हैं। बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे पास 10 दिन का समय है। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं अपने बगीचे से तुम्हारे फलों के पौधों को उखाड़ कर फेंक दूंगा। राधेलाल और श्यामलाल दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। दोनों गांव के एक विद्वान आदमी के पास जाते हैं। ताऊ जी, हमारे उगाए हुए सारे अंगूर लोहे के अंगूर हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। बेटा ये सब बूढ़ी लोमड़ी का श्राप है। कौन सी लोमड़ी? बहुत साल पहले एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इस गांव में आई और उसने यहाँ पर एक बहुत लंबी अंगूर की बेल देखी। वो अंगूर खाने के लिए बेल पर छलांग लगा रही थी पर अंगूर तक नहीं पहुँच पाई। गांव वालों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और लोमड़ी ने इस गांव को श्राप दिया कि जिस तरह वो इस गांव के अंगूर नहीं खा पाई उसी तरह आज के बाद इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं खा पाएगा और सारे अंगूर लोहे के हो जाएंगे। इस श्राप को कैसे खत्म करेंगे? अगर तुम लोग पुरानी बेल के अंगूर ले जाकर उस लोमड़ी को खिलाओगे तो ये गांव श्राप से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। राधेलाल और श्यामलाल उस पुरानी बेल के पास जाते हैं और उससे कुछ अंगूर तोड़ते हैं और उन्हें लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। वो देखो, वहाँ पर लोमड़ी दिखाई दे रही है। श्यामलाल उस लोमड़ी की तरफ जाता है और अंगूर का गुच्छा लोमड़ी के सामने फेंकता है। लोमड़ी अंगूर खाती है। उसके अंगूर खाते ही आगरा गांव को श्राप से मुक्ति मिल जाती है। अब राधेलाल और श्यामलाल अपने उगाए हुए सभी अंगूरों को बाजार में बेचते हैं। अंगूर बेचकर राधेलाल और श्यामलाल आगरा गांव में फलों की एक बड़ी सी दुकान खोल देते हैं।